हेलो दोस्तों, तो फाइनली आज टाटा मोटर ने टाटा कर्व कॉन्सेप्ट ईवी अनवील की है। बहुत ही गाड़ी जबरदस्त कॉन्सेप्ट में लग रही है। मतलब जिस तरह से, अगर इस तरह से आ जाता है कुछ चेंजेस करके, जिस तरह से नेक्सोन और अल्ट्रोज को लाया था उन्होंने, तो भाई तहलका मच जाएगा। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। But the slide in that pussy is the homicide. तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ आपको मिलने वाला है। हालांकि ज़्यादा कुछ अभी टाटा मोटर ने क्लियर नहीं किया है, कुछ चीज़ें क्लियर की हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। पैनारोमिक सनरूफ बोला है कि इसमें पैनारोमिक सनरूफ आएगा, बट वो किस साइज़ की आएगी वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि कूपे डिज़ाइन होने की वजह से सनरूफ को ज़्यादा बड़ा नहीं दे सकते हैं। तो आई थिंक नेक्सोन जितना हो सकता है। और बैटरी और मोटर किस पावर की रहेगी, कैसा है, तो उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बोला है टाटा मोटर ने। और हाँ, इतना ज़रूर बोला है कि रेंज 400 से 500 के बीच में रेंज हो सकती है, एक्सपेक्टेड है। मतलब नेक्सोन से ऊपर ही आने वाली है इस गाड़ी की, क्योंकि ये गाड़ी नेक्सोन से ऊपर बैठने वाली है। क्योंकि टाटा मोटर के पास अभी जो चल रहा है वो जिप्ट्रॉन 1 है, और अभी ये जो गाड़ी आने वाली है वो जिप्ट्रॉन 2 पे आने वाली है। 1 पे जो जितनी गाड़ियाँ हैं वो टिगोर ईवी है, नेक्सोन ईवी, और अभी जल्दी में तैयारी में ही है टाटा की अल्ट्रोज, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, जो कि जिप्ट्रॉन 1 में आएगी। और जिप्ट्रॉन 2 की ये पहली गाड़ी रहेगी जो कि टाटा कर्व के नाम से ये कॉन्सेप्ट वर्जन में नाम दिया गया है। भाई बात करूँ इस गाड़ी की, तो ये काइनेटिक एनर्जी रिवर्स सिस्टम के साथ में आएगी, जो कि बहुत अच्छा है। हाईवे पे परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज कर देगा आपका। और ज़्यादा कुछ अनबिल नहीं किया है, पर मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट जो राइवल होगी वो होगी MG की ZS EV को। अभी तक ZS EV और कोना दूर राज कर रहे थे, पर अब बहुत जल्दी एंट्री होने वाली है, और इतनी जल्दी भी नहीं होगी। पर हालांकि ये गाड़ी आएगी 2024 में, मतलब 2 साल के बाद, और तब तक हो सकता है कि जो बैटरीज और मोटर्स के हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस डाउन हो सकते हैं, तो इसलिए प्राइस भी थोड़ी कम अग्रेसिव रख सकती है टाटा मोटर, जो कि हमेशा रखने का ट्राई करती है। और अभी काफ़ी लंबा टाइम है, 2 साल, तो कुछ बोल नहीं सकते। मार्केट की सिचुएशन ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो प्राइसिंग का भी एक्सपेक्टेड कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। पर हाँ, ये नेक्सोन से ऊपर बैठेगी, तो यानी ZS EV के कॉम्पिटिशन में आने वाली है डेफिनेटली। तो इतना कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक शेयर किया टाटा मोटर ने। इसके अलावा उसने गाड़ी देखने में बहुत ज़बरदस्त लगती है, नो डाउट। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।